किसान आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब ये चिंगारी देश के हर कोने में पहुंच गई है। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगी कि ये किसान आंदोलन क्या बीजेपी के गले की फांस बनेगा? क्या जाट और जितनी भी जातियां हैं जो किसान होते हैं, क्या उनका रुख अब कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगा? ये तमाम सारे सवाल है जिनके जवाब आज मैं चाहूंगा। आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि इस किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के लिए हवा शायद पलट सकती है लोकसभा चुनाव में? मैडम, नहीं पलटेगी। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का साथ देंगे किसान? नहीं देंगे किसान। आपको क्या लगता है कि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके साथ इतनी सारी भर्तियां अटकी हुई हैं, अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में छात्र जो देश का भविष्य माने जाते हैं वो साथ देंगे उनका? नहीं मैडम, ऐसा है कि सब पढ़े लिखे आदमी हैं और बेवकूफ तो कोई है भी नहीं, तो छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है तो कौन सहेगा? और देश जो चलता है किसानों से चलता है, युवाओं से चलता है, तो सब समझदार है और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन अब तो युवा जागरूक हो गए सभी लोग, और ऐसा नहीं है, अब किसान जागरूक हो चुके। हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या राय है आपकी, क्योंकि वो हनुमान बेनीवाल, आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल को किसे समर्थन देना चाहिए, बीजेपी को, कांग्रेस को? मैडम, कांग्रेस को देना चाहिए सरकार को। बेनीवाल की, वो तो हनुमान बेनीवाल खुद ही किंग है, उसको कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस प्लस बीजेपी की, वो तो खुद ही है। वो जो फैसला करेगा वो खुद के ऊपर लेके करता है, किसी के और के दबाव से नहीं करता है वो, क्योंकि वो किसान नेता कभी नहीं दबेंगे, किसी से भी नहीं डरेंगे। मैं देश में सत्ता पक्ष के लोगों का कहना चाहता हूँ, इस देश का किसान तड़पती धूप में काम करता है और आपके इन आंसुओं के गोले से नहीं डरेंगे और अपनी आवाज को इसी तरह से बोलने रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का मिशन 25 पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस बार? नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कौन सी ऐसी नाराजगियां हैं जो मिशन 25 को कंप्लीट नहीं करेगी? अरे बोलो यार एक बार तो। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो एक अच्छी चीजें हैं, जो किसान के लिए जो किसान के लिए बेहतर नहीं है, किसानों को दबाया जा रहा है, किसानों की मेहनत को दबाया जा रहा है, तो मैं यही चीज कहना चाहूँ। जो भी पॉलिटिक्स है, मैं एक कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बाकी ये है कि एक पॉलिटिक्स पे नहीं होने पर इंसान सबसे बेटर होता है। बाकी ये है कि जो किसान के लिए, जो जवान के लिए, जो जनता जनार्दन के लिए, जो जनता के लिए कुछ करे, जो जनता के लिए बेहतर करे, उसी पॉलिटिक्स के साथ हम। अगर आज किसानों के लिए दबाया जा रहा है तो हम कांग्रेस के साथ में है, कांग्रेस को जो बेहतर करेंगे उसमें साथ में। पिछली बार किसानों ने सत्ता पक्ष को सर झुकाया था, इस बार तो नाक रगड़वाएंगे, इस जमीन पे नाक रगड़वाएंगे। मैं बोलना चाहूंगा, देखो एक जवान है जो कि हमारे देश पे बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है देश की, उसी से आज अपना देश सुरक्षित है, और एक किसान है जो कि अपनी फसल से देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो जो किसान में और जवान में पावर है वो इस दुनिया में किसी के अंदर नहीं है, और हमारा सिर्फ एक मकसद है, आने वाले समय में निर्मल चौधरी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आने वाला मुख्यमंत्री होगा निर्मल चौधरी। निर्मल चौधरी जिंदाबाद। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा कोई भी पॉलिटिक्स हो कि उनको किसानों को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी एक नई नई योजना चलाई, पंचवर्षीय योजना में यही सबसे चीज बेटर थी कि अपने किसानों को आगे लेके आए, किसानों की बेहतर चीज़ों, किसानों को मेहनत को या किसान स्वावलंबन बनाए, तो उसी चीज़ को आगे आज उसी स्वावलंबन को चीज़ों को जो पॉलिटिक्स है वो दबाया जा रहा है। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से युवाओं में रोष नजर आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसानों के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इन सब नाराजगियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का मिशन 25 शायद इस बार अधूरा रह सकता है, क्योंकि देश का भविष्य ही उनके साथ नहीं है। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद, नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी
इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बीवॉक डिग्री और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।